नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, अगर कोई पर्सन आपकी वेबसाइट में से किसी भी प्रकार का टेक्स्ट या तो सिंगल वर्ड भी कॉपी करता है तो इसके पीछे किस तरह से आप अपना ओरिजिनल पोस्ट का लिंक ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको पता होगा कि बाइनरी कोड्स बहुत ही बड़ी वेबसाइट है जिसके अंदर आपको सभी प्रकार के कोड्स मिलते हैं। तो देखिए, कोई भी पर्सन यहाँ से इस तरह से जो कोड को कॉपी करके इसके बाद कहीं भी इसके दूसरे वेबसाइट या तो नोटपैड के अंदर पेस्ट करता है तो ऑटोमेटिकली इसके पीछे जो लिखा आता है कि आपने ये कोड कहाँ से कॉपी किया है, और अगर आपको ये ओरिजिनल कोड रीड करना है ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर तो जो रीड मोर एट इसके बाद इसका ओरिजिनल लिंक होगा। ऐसे कि देखिए, मैं यहाँ पर मैं कोड को पेस्ट करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो कंप्लीट यहाँ पर कोड होता है इसके बाद लिखा है कि रीड मोर एट इसके बाद जो ओरिजिनल पोस्ट है इसका लिंक आपको दिखाई देगा। अब देखिए, इससे क्या होगा कि कोई भी पर्सन जो आपकी वेबसाइट में से कॉपी पेस्ट करने से यहाँ पर रोक सकता है और आपका जो कंटेंट है वो सिक्योर रह सकता है। तो आज का वीडियो आप देखते रहिए, आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर सब कुछ सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इस प्रकार की फैसिलिटी ऐड कर सकते हो। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा। अब देखिए, आर्टिकल का टाइटल है हाउ टू ऐड रीड मोर लिंक टू कॉपी टेक्स्ट इन वर्डप्रेस, वहाँ पर आपको कोड मिलेगा। अब देखिए, हम हमारी वेबसाइट BM टेक टिप्स के अंदर ही ऐसी फैसिलिटी ऐड करेंगे। अभी आप अगर किस जो आर्टिकल को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो अभी मैं आपको जो दूसरा आर्टिकल ओपन करके दिखा तो आपको पता चलेगा। अब देखिए, कोई भी पर्सन मेरे साइट के अंदर आता है और ये पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करता है, इसके बाद जो इसकी वेबसाइट या तो नोटपैड के अंदर वो पेस्ट करता है तो क्या होगा कि नॉर्मल जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो गए। देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आपको जो ऐसा नहीं करना है, जैसे कोई पर्सन इस प्रकार का पैराग्राफ कॉपी करके तो इसके बाद यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि रीड मोर एट BM टेक टिप्स, यानी कि जो इसका ओरिजिनल पोस्ट का लिंक है वो यहाँ पर शो होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। आपको सिंपल वे में आपका डैशबोर्ड ओपन करना है, तो सिंपल लॉगिन बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर देता हूँ। तो देखिए, हमारा डैशबोर्ड सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद सिंपल आपको जाना है हमारे आर्टिकल में, इसके बाद यहाँ पर से लेके इसके अंदर जितना भी कोड है इसको आपको सिंपल सेलेक्ट करना है, इसके बाद कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है डैशबोर्ड में, वहाँ पर जाके आपको जाना है अपीयरेंस और इसके बाद थीम एडिटर। थीम एडिटर के अंदर आपको सिंपल फंक्शन डॉट PHP नाम की फाइल पॉइंट करनी है। तो देखिए, जो हमारी फाइल है वो आपको दिखा देगी, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसके बॉटम में आपको जाना है और वहाँ पर सिंपल जो कोड आपने हमारे आर्टिकल में से कॉपी किया है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको इसके अंदर एक चेंज करना है, यहाँ पर लिखा होगा रीड मोर एट BM टेक, वहाँ पर आप अपने मुताबिक आपकी वेबसाइट का नाम लिख देना है। इसके बाद सिंपल आपको अपडेट फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप किसी भी प्रकार का जो केज का प्लगइन यूज़ करते हो तो सिंपल आप इसे क्लियर कर दीजिए। इसके बाद अब देखिए, हमारा जो ऑलमोस्ट काम हो चुका है तो हम क्या करते हैं, तो देखिए ये आर्टिकल हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब देखिए, कोई भी पर्सन अगर ये कंप्लीट आर्टिकल में से एक भी प्रकार का टेक्स्ट या तो वर्ड या तो पैराग्राफ कॉपी करने की कोशिश करेगा तो इसके पीछे ऑटोमेटिकली हमारा रीड मोर का लिंक आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये पैराग्राफ को कोई यहाँ से कॉपी करता है और इसके बाद जो कहीं भी पेस्ट कर, देखिए मैंने कॉपी कर लिया, इसके बाद नोटपैड के अंदर पेस्ट करता है या तो अपने एडिटर के अंदर भी पेस्ट कर सकता है या तो वर्ड के अंदर भी पेस्ट कर सकता है। कहीं भी पेस्ट करेगा इसके पीछे ऑटोमेटिकली आपका रीड मोर का लिंक आ जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने पेस्ट किया तो आपको दिखाई देगा कि रीड मोर एट BM टेक टिप और इसके बाद जो आपका ओरिजिनल पोस्ट है इसका लिंक यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी पर्सन अगर आपका सेम पैराग्राफ या कोई वर्ड के अंदर पेस्ट करेगा तो इसके अंदर भी आपका रीड मोर का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने साइट के अंदर रीड मोर का जो ऑप्शन कर सकते हो। अब देखिए, पैराग्राफ नहीं, अगर कोई पर्सन आपकी साइट के अंदर से एक जस्ट वर्ड को भी कॉपी करेगा तो इसके पीछे ऑटोमेटिकली आपका लिंक आ जाएगा। देखिए, मैं पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, देखिए आपको दिखाई देगा और इसके पीछे आ चुका है रीड मोर एट BM टेक। तो आपको बहुत ही सारे बेनिफिट मिलेगा, एक बार आप ट्राई कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये आर्टिकल का लिंक अवेलेबल है, इसके अंदर जाके सिंपल आप कोड को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको function.php फाइल के अंदर पेस्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा।
तो बस आज का सिंपल वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।